व्यूअर्स, क्रिकेट लाइन गुरु के प्री मैच एनालिसिस में आपका स्वागत है भाई। आज हम करने जा रहे हैं आईपीएल 2020 के 50वें मैच का फुल प्रूफ एनालिसिस, जो खेला जाएगा किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच। सीजन की पहली भिड़ंत में जाएं तो शारजा के मैदान में राजस्थान के रनबाकुरों ने पंजाब के 223 रनों का पीछा करते हुए धमाकेदार जीत दर्ज की थी, लेकिन पिछले 5 मैचेस से पंजाब जिस तरह बिना हारे बैक टू बैक सभी मैचेस के साथ हिसाब बराबर कर रही है, ऐसे में क्या राजस्थान पंजाब की इस विजयी अभियान को रोकने में सफल हो पाएगी? आइए करते हैं दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड कंपैरिजन, डालते हैं नजर पॉइंट्स टेबल और मैच के वेन्यू पे, साथ ही साथ दोनों ही टीम्स के डिपेंडेबल की प्लेयर्स की पड़ताल भी कर लेते हैं। तो भाई लोग इस वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। यहां पे क्रिकेट से जुड़े पुराने नए फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बिना किसी विलंब के आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और दोनों टीम्स का हेड टू हेड कंपैरिजन कर लेते हैं। टोटल 20 मैचेस अभी तक खेले गए हैं, जिनमें से किंग्स इलेवन पंजाब ने 9 बार जीत दर्ज की है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स ने 10 बार मैच अपने नाम किया है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो इस सीजन में पंजाब ने स्कोर बोर्ड पर टांगे हैं 223 रन, जिसके जवाब में उतरी राजस्थान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 226 रन बना के मैच अपने नाम किया था। लोएस्ट स्कोर को देखें तो 124 रन रहे हैं पंजाब के और 112 रन रहे हैं राजस्थान के। दोनों ही टीम्स के बीच अगर हम एवरेज स्कोर निकालें तो वो रहा है 160 से 170 रन के बीच। ये तो हो गई पुरानी बातें, अब जरा दोनों ही टीम्स की करंट कंडीशन और सिचुएशन पे भी गौर फरमा लेते हैं। तो भाई किंग्स इलेवन पंजाब ने अभी तक 12 मैचेस खेले हैं, जहां वो 6 मैचेस जीते हैं, 6 मैचेस हारे हैं। नेट रन रेट है इनका -0.049 का, इनके खाते में है 12 पॉइंट और ये टॉप 4 की लिस्ट में चौथे नंबर पे मौजूद है। वहीं इनके प्रतिद्वंदी राजस्थान रॉयल्स ने भी 12 मैचेस खेले हैं, जहां वो 5 मैचेस जीते हैं, 7 मैचेस हारे हैं। इनका नेट रन रेट है -0.505 का, इनके खाते में है 10 पॉइंट्स और ये हैं फिलहाल 7वीं पोजीशन पे। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट पे और मैच के वेन्यू पे फोकस कर लेते हैं। तो ये मैच खेला जाएगा शेख जायद स्टेडियम में। अब यहाँ पिछले कुछ मैचेस में कंटिन्यूअसली अच्छे रन स्कोर किए गए हैं, टारगेट छोटा हो या बड़ा, खास तौर पे सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम आसानी से बैटिंग करती दिखी है और अब ऐसे में कहीं ना कहीं ड्यू फैक्टर भी मेजर रोल प्ले करता दिख रहा है। इस लिहाज से पिच की करंट कंडीशंस को देखते हुए टॉस जीतने वाली टीम गेंदबाजी चूज कर सकती है। यहाँ पे खेले गए इस सीजन के सभी T20 मैचेस के स्टैट्स को देखें तो टोटल 17 मैचेस में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 8 बार जीती है और रन चेस करने वाली टीम 9 बार जीती है। हाईएस्ट स्कोर इस पिच पे रिकॉर्ड किया गया है 196 रन का बाय राजस्थान रॉयल्स, वहीं लोएस्ट स्कोर जो है वो 84 का रहा है बाय कोलकाता नाइट राइडर्स। अब अगर हम इस पिच पे गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात करें तो दोस्तों आबू धाबी की पिच पे अतिरिक्त उछाल देखने को मिला है, जिसके चलते यहाँ फास्ट बॉलर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। वहीं दूसरे छोर पे स्पिनर्स ने भी समय समय पर धमाल मचाया है। टोटल 17 मैचेस में अभी तक 184 विकेट्स लिए जा चुके हैं, जहां विकेट्स टेकन बाय पेसर्स रहे हैं 116, तो विकेट टेकन बाय स्पिनर्स रहे हैं 57 और वहीं 10 विकेट रन आउट द्वारा लिए जा चुके हैं। इन सभी स्टैटिस्टिक्स को देखने के बाद अब जरा दोनों ही टीम्स को इंडिविजुअली एनालाइज कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं टीम राजस्थान रॉयल्स से। भाई राजस्थान के पिछले मैच में बेन स्टोक्स की 60 गेंदों में 107 रनों की पारी ने मुंबई के खिलाफ इसी वेन्यू पर जीत दर्ज कराई थी। साथ ही संजू सैमसन 31 बॉलों 54 रन ने बढ़िया साथ दिया था, जहां दोनों ने मिलकर 152 रनों की साझेदारी जमाई थी। वैसे देखा जाए तो रॉबिन उथप्पा एज एन ओपनर आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और शुरुआत से ही दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पिछले कुछ मैचेस में अगर अपने एक्सपीरियंस का कोई पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहा है तो वो है कप्तान स्टीव स्मिथ, जिन्होंने पिछले 2 मैचेस में 19 और 11 रन ही बनाए हैं। और अगर बचे 2 मैचेस को जीत के पॉइंट्स टेबल पे टोटल 14 पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं तो स्टीव स्मिथ को भी अहम योगदान देने की जरूरत है। पिछले मैचेस में बल्लेबाजों की पोजीशन के साथ बदलाव करके टीम को एक अच्छा बैटिंग लाइनअप मिला है, जहां संजू सैमसन और जॉश बटलर मिडिल ऑर्डर में डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं और हाल फिलहाल अच्छी फॉर्म में भी लग रहे हैं। भाई बल्लेबाजों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, गौर करें तो राजस्थान के पास इस सीजन 8th डाउन तक का हैवी हिटिंग बैटिंग लाइनअप मौजूद है, जहां रियान पराग, राहुल तिवारी और जोफ्रा आर्चर लोअर मिडिल ऑर्डर तक टीम को जीत दिलाने का दमखम रखते हैं।
अब बात करें राजस्थान के बॉलिंग अटैक की, तो भैया यहाँ टीम पूरी तरह से आर्चर के 4 ओवर्स पे डिपेंड करती दिखाई दे रही है, जो कि एक विकट समस्या है। अंकित राजपूत और कार्तिक त्यागी दोनों ही बेहद खर्चीले साबित हो रहे हैं, और यहाँ हो सकता है एक बार फिर जयदेव उनादकट को अंकित राजपूत की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट की कमान संभाल रहे राहुल तिवती और श्रेयस गोपाल अपनी फिरकी के जाल में बल्लेबाजों को फंसा भी रहे हैं और रन्स भी बनाने से रोक रहे हैं। आइए अब जरा बात कर लेते हैं टीम किंग्स 11 पंजाब की। इस समय पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे बैठी पंजाब की टीम आज टॉप 4 में जगह बना चुकी है, और इस कारनामे को करने का श्रेय कहीं ना कहीं क्रिस गेल को जाता है, जिनके आने से टीम के बैटिंग लाइनअप में ड्रास्टिक चेंज आया है, और जिन्होंने 5 मैचेस में 138 के स्ट्राइक रेट से 177 रन्स का योगदान दिया है। शुरुआत से शुरुआत करें तो एज यूजुअल केएल राहुल पूरे सीजन बेहतरीन फॉर्म में दिखे हैं और 12 मैचेस में 595 रन्स के साथ इस सीजन के लीडिंग रन स्कोरर भी बने हुए हैं, जिसमें 5 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी शामिल है। अब यहां मयंक अग्रवाल के रिप्लेसमेंट के तौर पे खेल रहे मनदीप सिंह ने पिछले 2 मैचेस में 17 और 66 रन बनाए हैं, और अब जब मयंक अग्रवाल वापसी करेंगे तो या तो मनदीप सिंह को बाहर होना पड़ेगा या फिर दीपक हुड्डा को बाहर जाना पड़ेगा। बल्लेबाजी के साथ साथ किंग्स ने अपने बॉलिंग अटैक में भी चेंजेस किए हैं। पिछले 7 मैचेस में अर्शदीप सिंह को खिलाने का डिसीजन इनके डेथ ओवर्स में सुधार लाया है, जहां क्रिस जॉर्डन ने भी बीते कुछ मैचेस में सफलताएं हासिल की है। टीम का बॉलिंग अटैक लीड कर रहे हैं मोहम्मद शमी, जहां एक तरफ इस सीजन खर्चीले साबित हुए हैं तो वहीं इन्होंने 12 मैचेस में 20 विकेट भी अपने नाम किए हैं। बात स्पिन डिपार्टमेंट की करें तो मुर्गन अश्विन, रवि बिश्नोई तो बल्लेबाजों की नाक में दम कर ही रहे हैं, और अब ग्लेन मैक्सवेल भी लय में आते दिख रहे हैं, और इस लिहाज से टीम ओवरऑल काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। आइए अब जरा दोनों ही टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 यानी कि संभावित 11 खिलाड़ियों को भी देख लेते हैं। फोकस करते हैं टीम राजस्थान रॉयल्स पे। तो भैया राजस्थान पिछले मैच के विनिंग कंपटीशन के साथ उतर सकती है, जिसमें थे रॉबिन उथप्पा, बेन स्टोक्स, संजू सैमसन, जॉश बटलर, स्टीव स्मिथ, रयान पराग, राहुल तिवतिया, जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, अंकित राजपूत और कार्तिक त्यागी। वहीं पंजाब की टीम में हो सकते हैं केएल राहुल, मनदीप सिंह इनकी जगह पे, यहाँ मयंक अग्रवाल भी खेल सकते हैं अगर वो इंजरी से उभर जाते हैं। फिर आते हैं क्रिस गेल, निकलस पूरन, क्लिन मैक्सवेल, दीपक हुड्डा, क्रिस जॉर्डन, मुर्गन अश्विन, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह। अब वक्त है इस एनालिसिस के फाइनल कंक्लूजन का। तो भाई लोग, पंजाब के पास है विस्फोटक बैटिंग लाइनअप, तो वहीं राजस्थान भी धमाके मचाने में पीछे नहीं है। साथ ही राजस्थान के पास है खतरनाक इन फॉर्म गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जो कि पंजाब के बल्लेबाजों का इम्तिहान लेंगे। वहीं पंजाब के पास पेस के साथ साथ कारगर स्पिनर्स भी मौजूद हैं, जो पंजाब की टीम को ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। भाई आज के वीडियो में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें क्रिकेट लाइन गुरु के साथ।